एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी बैक फ्लावर रेमेडी के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है जेंसियन। बहुत ही यूजफुल होती है अगर आप में अनसर्टिनिटी होती है, आप बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील करते हैं, निराशा आप में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये दवा आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, कौन से लक्षण प्रेजेंट होने पे आप इसको ले सकते हैं, किस पावर में ले सकते हैं, कितना रिपीटेशन कर सकते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बैक फ्लावर रेमेडीज के बारे में। तो बैक फ्लावर रेमेडीज को डॉक्टर एडवर्ड बैक ने अराउंड 1930 इन्वेंट किया था, और उनका मानना था कि जो कि हमारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल सिम्टम्स से जुड़े हुए होते हैं। जो भी हमारे निगेटिव इमोशंस होते हैं, स्ट्रेस हो गया, वरी हो गया, एंजाइटी हो गया, सैडनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सब की वजह से हमको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। अगर हम अपने मेंटल सिम्टम्स को ठीक कर देंगे तो उस हिसाब से हमारे फिजिकल सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं। इसी बेस पे उन्होंने ये बैक फ्लावर रेमेडीज़ को इन्वेंट किया था। टोटल 38 रेमेडीज हैं जो कि डिफरेंट टाइप के इमोशंस पे काम करती हैं, और इनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आज जो मैं मेडिसिन की बात कर रही हूँ जेंसियन की, इसको अनसर्टिनिटी के ग्रुप में रखा गया है। इसके साथ 5 और रेमेडीज हैं इस ग्रुप में। तो ये जो बैक फ्लावर रेमेडीज हैं इसको आप सिंगल इमोशन के बेस पे यूज कर सकते हैं, या फिर इसका कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होती है जो आपके तरह तरह के इमोशंस के बेस पे आपको दिया जाता है, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ जेंसियन, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है अगर आप बहुत निराशावादी इंसान हैं। ऐसे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा भी हिंड्रेंस आएगा, कुछ भी हर्डल आ जाता है, स्मॉल सा भी कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी प्रोग्रेस में हाल्ट होता है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील करने लगते हैं, आप में निगेटिविटी आने लगती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम होने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में ये दवा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। ये हमारे माइंड को एक तरीके से क्लियर करती है, माइंड में क्लियरिटी लाती है, हमारी थिंकिंग को साफ करती है। जो भी इमोशंस आपके निगेटिव इमोशंस आए हैं उसकी वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको ठीक करने में हेल्प करती है। ये हमारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, हमारी स्पिरिट और हमारे मूड को अपलिफ्ट करती है। बहुत ही यूजफुल मेडिसिन होती है। ऐसे लोग जिनमें सब कुछ लाइफ में चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा है, एकदम से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, चाहे वो डेली लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर जैसे स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देने से पहले ही निगेटिव हो जाते हैं कि मतलब मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, पास नहीं हो पाऊँगा, इस तरह की निगेटिविटी आने लग जाए। अगर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस उससे कम हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि आपके एग्ज़ाम से आपकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर आ गया, फिर आपको लगे कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल पास नहीं होऊंगा, अब तो कोई कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की अगर सोच आए और वो आपकी प्रोग्रेस को हाल्ट कर दे, आपका प्रोग्रेस रुक जाए उस सोच के आने पर, तो ऐसे में दवा बहुत यूजफुल होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यही सोचते हैं ये चलेगा नहीं चलेगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से उनकी प्रोग्रेस रुकी रहती है। इस केस में इस दवा को आप ले सकते हैं, आपके माइंड को क्लियर करके उसको अच्छी तरीके से सोचने में हेल्प करती है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में भी बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी रहती है, आप बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसे केस में ये दवा आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। इसकी 30 पावर आपको लेनी होती है, पानी में आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद आप डाल के ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, जैसे आपके सिम्टम्स की सीवियरिटी हो उस बेस पे। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जेंसियन के बारे में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बैक फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, सारी 38 मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।